और हम बात करेंगे ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ की, मोटापा, जिगर का खून ना बनना और शुगर। यकीन करें ये तीनों प्रॉब्लम यानी कि ओबेसिटी, लिवर प्रॉब्लम एंड डायबिटीज, ये तीन चीजें हमारी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती हैं। आप मोटे हो जाए तो उठना बैठना मुश्किल, यकीन करें। मुझे समझ में नहीं आती मैं किस तरह जो ऐसे लोगों को जिन जो जाहिर सी बात अब जब आप हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं तो आपको उठने में प्रॉब्लम है, उनके घुटनों में फिर दर्द आ जाता है। और अगर मैं बात करूँ शुगर की तो वो लोग तो बेचारे वो ये समझ लेते हैं कि अब सारी ज़िंदगी है जो कब्र तक मैंने शुगर लेके जानी है। और अगर जिसका खून नहीं बनता उसका रंग हमेशा जो है ना वो वाइट नजर आता है और हम समझते हैं गोरा गोरा नहीं है, वो उसका खून नहीं बनता ना, ना उसको सही तरह भूख लगती है, उसको ना नींद आती है क्योंकि खून एक्टिव नहीं होता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए यकीन कर अगर ये कंटिन्यू चलती रहे ना तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। लेट्स सी आज इस स्पेशल बहुत ही सेंसिटिव बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करें। और एवरी वेडनेसडे हमारे साथ होते हैं कौन जी, हकीम साजिद इस्लाम साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आपने खुद एक ऐसा टॉपिक और एक दूसरे से कनेक्ट करता हुआ, जी जी, मोटापा वो एक बीमारी है, हमेशा हम किसी को कहते हैं भाई तुम्हें तो दिल की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कहते नहीं कहते जी, और जिसका मोटापा उसके घुटनों में दर्द ऐसा है और मोटापा और मजीद बीमारियां पैदा करता है। फिर अगर किसी का जिगर खून ना बनाए तो वो सबसे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा जी, और अगर किसी को शुगर हो जाए तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि ये मरते दम तक लेके चलना है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी इसके अंदर जिगर जो है अहम हैसियत का हामिल है, क्योंकि जिस वक्त भी हम हिकमत में आते हैं और या आम एक आम इंसान की बात भी हम करें तो हमेशा से मेदे और जिगर को एक अहमियत दी जाती है। और आम अल्फाज में बोला जाता है कि मेदा जो है वो तमाम अमराज की जो है वो माँ है, लेकिन हिकमत में अगर हम आते हैं ना जी, तो हिकमत के हवाले से जब हम बात करेंगे तो जिगर जिस्म के अंदर एक वाइटल ऑर्गन्स की हैसियत रखता है और हमारे वाइटल ऑर्गन्स के जो मेन जूज हैं जिसमें लीवर है, दिमाग है, दिल है, ये दोनों अगर अहमियत के हामिल हैं, इससे इन दोनों से ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो जिगर है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम में दिल की तरफ से आती है या दिमाग की तरफ से आती है, इसके अंदर पैदा होने वाले बलगम या सोदा इखलात जो हैं जो हमें जिस्म में बीमारियों का बायस बनते हैं, वो आके हमारे जिगर को पकड़ते हैं, दोनों हमारे जिगर को पकड़ते हैं। हमेशा से जिगर का हमारे जिस्म के अंदर एक अहम किरदार रहा है। अगर हम ये बात बोलना गलत नहीं होगा कि जिगर जो है वो हमारे दिल के अंदर एक वज़ीरे आज़म हम कह सकते हैं हमारे जिस्म का है, ठीक है ना जी, क्योंकि सारे काम इसी ने सर अंजाम देने हैं, बोझ जो है सारे का सारा जो है हमारे जिगर के ऊपर ही आता है। जिगर क्या करता है, जिगर की जिस्म के अंदर क्या अहमियत है, कौन से काम हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। और मैं ये और हमारे जिस्म में होने वाली टोटल जो बीमारियां हैं, अगर जिगर हमारा बिगड़ जाता है तो ही मैदा बिगड़ेगा, जिगर के प्रॉब्लम की वजह से ही मैदा प्रॉब्लम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जिगर ख़राब ना हो और मैदा ठीक हो, जिगर ख़राब होगा मैदा भी साथ ख़राब होगा। दोबारा से मैं अल्फाज दोहराता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिगर आपका ठीक हो और मैदा आपका ख़राब हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि जिगर ने जो है आपको लिपट देने होते हैं आपके मैदे को, और दिमाग ने जो है वो तरावटें देनी होती है, और दिल ने जो है वो खुशकियां देनी होती हैं। इसी के बाद इन्हीं के मरहूने मिन्नत जो है हमारा मैदा होता है। हमारे जिस्म में पैदा होने वाली तमाम बीमारियां जिगर के बिगाड़ की वजह से ही पैदा होते हैं। कहीं पे जिगर हरारते गरेजी में चला जाता है और कहीं पे जिगर हरारते गरेबी में चला जाता है। अभी होता यह है कि हमारे जिगर के जो अहम काम हैं, शुगर हो
हमने जो शुगर का इलाज कर रहे हैं, मोटापा हो, मोटापे की वजूहत भी जिगर की वजह से होती है। हम जब इलाज करते हैं, हिकमत के अंदर जब इलाज होता है, उसके अंदर सबसे पहले हम जो मेडिसिन देते हैं उसके अंदर हम मैदे और जिगर को मद्देनज़र रखते हैं। इसके साथ साथ हम गुर्दे को मद्देनज़र रखते हैं। हमारे जिस्म के अंदर ज़ाहिर हिस्सा जो हैं वो दिल, दिमाग, जिगर जो कामन है हमारे तिब यूनानी, तिब जदीद के अंदर, तिब की जितनी भी हमारे कैटेगरी चल रही हैं, जितने भी तरीका इलाज हैं हमारे तिब के, इसके अंदर तीन ज़ाहिर हिस्सा जो हैं वो कामन है, दिल, दिमाग और जिगर। हमेशा से हमारे मैं एक फिक्रा हर प्रोग्राम के अंदर दोहराता हूँ कि हमारे दुनिया के अंदर भी अगर हम बात करें, आम बंदे को पता नहीं है जिगर होता क्या है, लेकिन वो एक अल्फाज ज़रूर बोल देता है कि जी फलां मेरा जिगरी यार है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जिगर जिस्म के अंदर एक ऐसी अहमियत रखता है कि अगर कोई आम इंसान भी जो तिब के मुतलक नहीं जानता, मेडिकल के मुतलक भी नहीं जानता, वो ये मिसाल ज़रूर देगा। अभी बात यह है कि हमारा जिगर जो है वो काम क्या करता है। जब सारी खुराक हमारी हजम हो जाती है, उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट मिलती है, कैमूस के नाम से एक मादा होता है, कैमूस और कैलूस नाम लिया जाता है, ये मादा वाइट कलर के अंदर होता है और ये फिर जिगर को मिलता है। यहाँ से जिगर जो है इसको तवानाइयों में चेंज करता है। और ये तवानाइयाँ कैसे चेंज होती हैं, इसके साथ लीवर के अंदर जो है वो शुगर भी को भी हम इस टॉपिक में लेना चाह रहे हैं कि आखिर जिगर का और शुगर का कोई आपस में ताल्लुक है। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर हर बीमारी का ताल्लुक जो है वो जिगर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिगर हमारे जिस्म के अंदर हर अज़ा को तवानाइयाँ पहुँचाता है, खून पहुँचाता है, ऑक्सीजन जाता है इसके ज़रिए, ठीक है, पानी हर जिस्म के हर हिस्से में पहुँचता है। और असल में हमारे जिगर के जो दो मेजर काम हैं वो ये हैं, एक तो गुदद नाकला और गुदद जाज़बा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन हमारे जिस्म से फालतू जो मादे होते हैं वो जिस्म से बाहर निकालने के लिए जिगर का एक जो हिस्सा है वो काम करता है। एक्सोक्राइन जैसे माँ का दूध पिलाना, आँखों से आंसू आना, पसीना आना, पेशाब आना, इस तरह से जो फासद मादे निकालने के अंदर अहम करदार जिगर का जो हिस्सा करता है उसका नाम है गुदद नाकला। और गुदद जाज़बा हमारे जिस्म के अंदर वो जिगर का हिस्सा है जो अहम करदार अदा करता है, जो हमारे जीने के लिए जितने भी हार्मोन्स हैं उनको जो है ब्रूए कार लाते हुए जिस्म के अंदर जो है तवानाइयाँ देता है, जिसके अंदर आपने चंद हार्मोन्स के नाम सुने होंगे और वो हैं T3 है, T4 है, TSH है, इसके साथ टेस्टोस्टेरोन है मर्दों के अंदर, FSH है औरतों के अंदर, LH है। हमारे ज़रूरी जिस्म के अंदर जो इब्तदा होती है जिस्म के अंदर हार्मोन्स की, वो ये जिगर से ही निकलते हैं। अगर ये हार्मोन्स ठीक है, इसके अंदर आपने सभी खुद भी सुना होगा थायराइड का, ठीक है, इसके जो हार्मोन्स हैं थायराइड है, हाइपोथायराइड है, इसके साथ हमारा औरतों और मर्दों के जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मर्दों के ऊपर मर्दों के हिस्से में आता है, और FSH जो होता है, LH जो मतलब कि हमारे वो हार्मोन्स जो एग पैदा करते हैं, औरतों के अंदर जो माहवारी के प्रॉब्लम चलते हैं, इसके ये सारा जिगर से ही तो निकलता है। अच्छा, आप ये जो थायराइड प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से इंटरनल कोई भी, जो आपने भी कहा कि ख्वातीन में या मर्द में जो भी इंटरनल प्रॉब्लम होती है, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जब हमारे मेजर हार्मोन्स ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपने ये बात भी सुनी होगी कि थायराइड जो होता है वो मोटापे का बायस होता है। अच्छा, ठीक है, थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। जितना भी आप खुराक से मोटापे को कंट्रोल करना चाहें वो मुमकिन नहीं है। इसके इलाज की तरफ हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसके साथ हम कौन सी एहतियात कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मोटापा ना बढ़े। इसके लिए मैं आपको चंद गुजारिशात करता हूँ कि सबसे पहले आप अपने खाने पीने का जो है ना वो एक असूल बना लें। हम ये बोलते हैं कि आप जो मर्जी खाएं पिएं, लेकिन तरीका हमारा इख्तियार करें खाने पीने के अंदर। सुबह का नाश्ता हम बोलते हैं बादशाहों की तरह करें आप।
अगर आपने मोटापे को मात देनी है, हराना है अगर आपने मोटापे को, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर अमल करना पड़ेगा जो मैं इस प्रोग्राम में शायद सारी नहीं बता सकूँगा, लेकिन चंद चीज़ें ऐसे आपको ज़रूर अहम बता दूंगा कि जो आपके मोटापे को काम करने के लिए 75% काम करेंगे। एक तो ये कि सुबह का नाश्ता जो है, सुबह खाली पेट उठ के आपने सबसे पहले पानी नहीं पीना है। सुबह निहार मुँह पानी पीने से आपके जिस्म के अंदर जो है वो कमज़ोरियाँ होना शुरू हो जाती हैं। मेडिकल तिब हो, हर्बल हो, एलोपैथिक हो, इसके अंदर नज़रिया मफरूदात हो, तिब यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, या कोई भी हमारा तरीक़ाकार जो राइज है दुनिया के अंदर इलाज करने के लिए, उसके अंदर चंद चीज़ें जो अहम मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप अगर उसके ऊपर आप गौर करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत हर लिहाज से ठीक रहेगी। निहार मुँह पानी पीना जो है वो कुछ खा पी के करें आप। जिस तरह हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, खाली पेट होते हैं, खजूर खाते हैं, इसी तरह जब आप ब्रेकफास्ट सुबह उठते हैं और अपना रोज़ा तोड़ते हैं, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है रोज़ा तोड़ना, ठीक है। सुबह जब आप उठें ज़रूर खाली पेट पानी पिए, लेकिन उसके साथ शर्त है कि आप कुछ साथ खाएं पिएं ज़रूर। अल्लाह के नबी पाक सल्लम के तरीके के मुताबिक भी, मेडिकल तिब के मुताबिक भी, हमारे तजर्बात जो हैं या जो हुक्मा हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हैं, जितनी भी जदीद साइंसी तहकीकात हैं या जो अज़ल से चलती हुई आ रही हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तबरानी शरीफ की हदीस है, जो शख्स निहार मुँह पानी पीता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है। निहार मुँह पानी पीना जोड़ों का दर्दों का बायस है, इसाबी कमज़ोरी का बायस है, जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो जदीद साइंसी तहकीकात हैं उसके मैंने लिंक भी अपनी पोस्ट के ऊपर शेयर किया हुआ है अपनी फेसबुक के ऊपर, हकीम साजिद इस्लाम के नाम से मेरी जो है वो फेसबुक का लिंक है, कोई सर्च करना चाहे तो वहाँ पे हमारे इन प्रोग्राम को भी देख सकता है जो हम मुख्तलिफ टेलीविज़न के ऊपर कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर जो है हम एक ही बोलते हैं कि अमेरिका या बरतानिया के अंदर जो बहुत फास्ट अपने आप को बोलते हैं कि हमने साइंसी तहकीकात की है, ये तो आज की बात है, मैंने तो आपको अल्लाह के नबी पाक सल्लम से एक हदीस सुना दी है कि शुरू से था, ये तो आज तहकीक कर रहे हैं। लेकिन तबरानी शरीफ की जो मैंने आपको हदीस सुनाई है, इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीन चीज़ें इंसान को बुरा कर देती हैं, निहार मुँह पानी पीना, खट्टी चीज़ें खाना और गमो फिक्र करना, ये इंसान को बुरा कर देते हैं। अभी बात यह है कि हम इससे कैसे बचें। अगर हम अपने जिस्म में विल पावर रखते हैं, असाबी कमज़ोरी नहीं होने देते, तो हम इन दो चीज़ों से बच सकते हैं कि गम और फिक्र से हम बच सकते हैं, क्योंकि गम और फिक्र से हम ऐसे बच सकते हैं कि जब हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त होगी, हम खाली पेट पानी पीने से कमज़ोर नहीं होंगे, तो अगर हमारे ऊपर ये टेंशन आएगी तो इंशाल्लाह ताला जो है हम इसको सरवाइव कर पाएंगे, इसको फेस कर पाएंगे, हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स है इससे मुतासर नहीं होंगे, ठीक है। अभी शुगर होने की वजूहात भी असाबी कमज़ोरियाँ होती हैं, मोटापा होने की वजूहात जिगर से जुड़ी हुई हैं, जिगर से इसलिए जुड़ी हुई हैं कि शुगर होना भी जिगर से ही जुड़ा हुआ है, लबलबा इसमें मुतासर होगा, और वाफर किस्म की चर्बियां जब पैदा होंगी, हमारे जिगर सही हरारत के ऊपर नहीं होगा, नॉर्मल के ऊपर होगा तो हरारते गरेबी में नहीं जाएगा तो भी मोटापा नहीं बढ़ेगा, हरारते गुरेजी के अंदर जाएगा तो हम हमारे जिस्म के अंदर जो है पतलापन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हम बिला वजह के लागर नहीं हो जाएंगे। यानी कि फिटनेस रहना यही है कि आपका जिगर ठीक हो, नॉर्मल हालत के अंदर हो, ना वो हरारते गुरेजी के अंदर हो। हरारते गुरेजी से मुराद है सभी बहुत ज़्यादा जिगर की हरारत बढ़ जाना, हरारते गरेबी से मुराद है कि आपका जो है हरारत बहुत कम हो जाना। जैसे आप अभी किचन में थी, इसमें अगर आपके किचन की जो हीट थी अगर वो कम होती चूल्हे की, तो भी आपका खाना सही नहीं पक सकता था, और अगर आप इस आंच को बढ़ा देते थे तो भी आपका खाना जल जाता था, ठीक है। यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने जिस्म के अंदर जो हरारत रखी है वो है। एक जिगर हमारा इस खाने को, इस चीज़ को पकाता है, ठीक है। इसके ऊपर हमें हरारत चाहिए होती है। आपने एक चीज़ के ऊपर गौर करना है, जो मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रख रहा हूँ, आपने इनको इनके ऊपर अमल करना है, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो मुआलजीन कम बताते हैं, और इन अगर मैं बोलता हूँ कि आप इन चीज़ों पे अमल करें तो बहुत सी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। अच्छा, कुछ वो बता रहे हैं और कुछ टेक्निक बता रहे हैं? टेक्निक बता रहा हूं। अच्छा जी, इससे पहले मैं नाज़रीन को बता दूं हमारे साथ हकीम साजिद इस्लाम साहब मौजूद हैं, और आज स्पेशली टॉपिक है लिवर यानी कि जिगर, ओबेसिटी मोटापा, और हम कहेंगे डायबिटीज यानी कि हेपेटाइटिस, ओबेसिटी एंड डायबिटीज, ये हमारा टॉपिक है। शुगर पे बात करें, मोटापा, और मोटापा मैंने अक्सर देखा है जो लोग हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा फैटी होते हैं, उनको 100% हार्ट प्रॉब्लम एंड डायबिटीज तो होती है, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। इसकी तरफ मैं सभी के इस टेक्निक्स बता रहे थे सर, भूले ना हकीम साहब। अच्छा नाश्ता, एक तो इसके बाद जब आप नाश्ता करेंगे, आप बादशाहों की तरह नाश्ता करें, खाली पेट पानी आप शहद डाल के ले सकते हैं, सेब खा के ले सकते हैं, खजूर खा के ले सकते हैं। Good. रात की बासी रोटी क्यों ना पड़ी हो, उसके तीन लुकमे लेके आप खाली पेट पानी पी सकते हैं। फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारमू, और एक गिलास दूध का आप पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाश्ते के अंदर आपका अंडा होना ज़रूरी है। जो लोग फैटी लीवर हैं, जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो अंडे की सफ़ेदी खाएंगे, जर्दी नहीं खाएंगे। जो लोग कमज़ोर हैं, जिनका जिस्म जो है वो इतना फरबा नहीं है, वो लोग जो है वो पूरा अंडा खाएंगे। अंडे के साथ साथ जो है आप सुबह नाश्ते के अंदर जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ के दलिया के अंदर आप शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जौ के दलिया के मुतलक आपको मैं एक हदीस बताता चलूँ। इसको तलबीना का नाम दिया जाता है। इसमें तीन चीज़ें कोई भी शामिल कर ली जाती हैं। जौ के दलिए के अंदर दूध भी शामिल कर सकते हैं, पानी का में जौ का दलिया बना सकते हैं, इसके अंदर आप मेवा जात दूसरे नंबर पर डाल सकते हैं, तीसरे नंबर के अंदर जो है आप इसके अंदर शहद मिला सकते हैं। शुगर के मरीज भी शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मीठे से परहेज कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप खजूर लिमिट में ले सकते हैं, शहद जो है वो लिमिट के अंदर ले सकते हैं। शुगर के मरीज किसी सूरत भी शहद का इस्तेमाल मत छोड़ें, दिन के अंदर एक चम्मच जरूर शहद का इस्तेमाल करें, खजूर एक दो का जरूर इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटापे के मरीज भी जो है वो चीनी को अवॉइड करेंगे, अपनी जिस्म में आप जो है चीनी को बिल्कुल छोड़ेंगे अगर आपने मोटापा कम करना है। प्रोटीन और फाइबर आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह हम फाइबर कौन कौन सी चीजों में, फाइबर रोटी में पाया जाता है, फाइबर बिस्किट वगैरह जो है, चना आटा नहीं, चना हुआ आटा ना हो, उसी के अंदर फाइबर है। बहुत सी हमारी ऐसी गजाएं हैं जो फाइबर से, प्रोटीन जैसे अंडे के अंदर फाइबर नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्रोटीन मौजूद होता है, इसीलिए जौ में है ना साजिद भाई फाइबर होता है। अभी वो ही ना, अभी लोग सत्तू पी रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा, तो अक्सर उसकी रोटी बनाना मरना मुश्किल है, तो कोई हमें या आटे में मिक्स करके, आटे में आप थोड़ा सा लाल आटा मिक्स कर लें, क्योंकि मैं शुगर वाले मरीज के लिए एक आटा फाइनल करता हूँ, जिसके अंदर हम उनको बोलते हैं कि इसके अंदर आप लाल आटा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा चंद मिकदार जौ डाल दिया जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लाल आटे में पाए जाते हैं। हमारे अगर एक शुगर का मरीज आटे को छोड़ देता है, शुगर आदि जान तो यहीं से ही छोड़ देती है, अगर कंट्रोल की बात करते हैं हम, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर गंदम के आइटम इस्तेमाल होते हैं, और खास तौर पे सफेद आटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च पाए जाते हैं, कार्ब पाए जाते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से शुगर बढ़ती है। जिस तरह चीनी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसी तरह गंदम के अंदर होते हैं, जिस तरह गंदम के होते हैं इसी तरह जो है वो चावल के अंदर होते हैं, इसी तरह इतनी अच्छी वो बताते हैं माशाल्लाह गुफ्तगू में भी। आप हमेशा कहते हैं जैसे सरसों का तेल इस्तेमाल करें आप, और खाने में जिस तरह फॉर एग्जांपल फाइबर वाली चीजें इस्तेमाल करें, और निहार मुंह पानी ना इनटेक करें, नाश्ता बहुत अच्छा किया करें। मैंने मना नहीं है किसी चीज को, लेकिन हर चीज का इत्तेदाल में रहना ही जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी पसलम का फरमान है, कुरान पाक में भी है, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। बिल्कुल, इसराफ ये है कि जब आपको भूख नहीं है तो भी आप खा रहे हैं। इसराफ का मतलब अक्सर यही लोग लेते हैं कि हम जी खाना जो खाया है वो खा लिया, जो बचा है हम उसको ज़ाया नहीं करें। इसराफ से मुराद ये भी है, इसराफ से मुराद ये भी है कि आपके जिस्म को जब एक गिज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप हर वक्त मुंह को हिलाते मत रहें, ठीक है, यानी कि हर वक्त खा ही रहे हैं, आपका कोई खाने का टाइम नहीं है। खाने का टाइम कोई भी हो, जैसे भी हो, आप अपने खाने के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐसी इस्तेमाल करें जो आपके
मौसम के हिसाब से। अच्छा साजिद भाई, सब बहुत चावल बहुत पसंद करते हैं। चावल जो लोग पसंद करते हैं, आगे सीजन आ रहा है बकरा ईद और खूब दावतें, तो बताएं कि शुगर वाले क्या मतलब, क्या उसको उबाल लें, बिरयानी खा लें, क्या कर लें? एक और चीज बताता चलूं, बहुत से मेरे पास मरीज, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामयाब इलाजों में से सरे फहरिस्त शुगर है, ठीक है, क्योंकि हम शुगर का इलाज एक गारंटी के साथ नहीं, बहुत सारे लोग ट्रीट हो चुके हैं इसका, हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मनी बैक गारंटी के जिम्मेदारी से करते हैं। ये लफ्ज कहने का मकसद होता है कि किसी के साथ हम कोई भी ऐसी किसी के जज्बात से नहीं खेलते हैं, हम एक मरीज होता है और मरीज की दुआ अल्लाह तबरक कबूल करता है। हम अपने मतलब के कामयाब इलाजों में जो सरफहरिस्त शुगर को हमने रखा हुआ है, शुगर एक इस मुआशरे की एक ऐसी नासूर चीज बन चुकी है, इससे इतने खानदान मुतासर हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लाखों के हिसाब से जो पहले तादाद थी उससे डबल तादाद अभी होती जा रही है। लोगों को पता नहीं चल रहा होता है, उनकी रोज बरोज सेहत कमज़ोर हो रही होती है। ऐसे लोग जो जिगर से मुतासर हुए होते हैं, रोज़ अपनी वाक भी कर रहे होते हैं, ऐसे लोग भी मेरे सामने आए हैं, लेकिन वो कमज़ोर हो रहे होते हैं लेकिन उनको महसूस नहीं होता। अचानक जब उनको पता चलता है या कोई आम देखने वाला बंदा उनको बताता है कि आपको चेहरे पे फेस में झुर्रियाँ हो रही हैं, अच्छा शुगर की वजह से लाजमी नहीं है कि आपका फौरी से वजन कम हो जाए, ओके, ऐसे जरूरी नहीं है। शुगर की वजूहत के अंदर जो है वो मोटापा भी आता है। ऐसे लोग जिनका वजन बढ़ना तेजी से शुरू हो जाता है वो भी अपने शुगर की तरफ ध्यान दें। तेजी से वजन बढ़ना, हार्मोन्स का प्रॉब्लम होना आपको शुगर होने के अंदर जो है वो मदद कर सकता है, शुगर का मरीज होने के अंदर मदद कर सकता है। मोटापा बढ़ना या वजन कम होना दोनों शुगर में आ जाते हैं। कुछ शुगर की इकसाम ऐसी हैं जिसके अंदर वजन नहीं गिर रहा होता लेकिन आप शुगर के अंदर मौजूद होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं या आप शुगर के में मौजूद में आ जाते हैं। दोपहर के खाने की तरफ अगर हम आते हैं, नाश्ते से के दरमियान में सुबह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहते हैं कि अगर हम खाली पेट पानी अवॉइड करते हैं, हम उसमें अवॉइड नहीं आपको करा रहे हैं, कुछ खा पी के आप पानी पी सकते हैं। इसी तरह आप नाश्ते के दौरान में पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं ये समझता हूँ हिकमत और तिब के एतबार से ये बात कन्फर्म है कि आप अगर खाने के दौरान में पानी ना भी पिए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके जिस्म में मौजूद ऑर्गन्स जो होते हैं, दिल दिमाग जो जिगर होता है, वो आपको चकनाइयाँ भी दे रहे होते हैं, वो आपको जिस्म के अंदर जो है वो तरावटें भी दे रहे होते हैं, तरियां भी दे रहे होते हैं, पानी भी दे रहे होते हैं, आपका दिल जो है वो आपको खुशकियां दे रहा होता है। ये तीनों चीज़ें हमारा जो स्टमिक है, हमारा जो मैदा है, इसके हजम होने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। आप अगर ध्यान से खाना खाते हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप ध्यान से खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म निज़ाम के अंदर आपको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर बेध्यानी से खाना खा रहे हैं, हमारा प्रोसेस क्योंकि हजम होने का वो दांतों के चबाने से शुरू हो जाता है, अपने खाने को खूब चबा के खाएँ, खूब चबा के खाएंगे तो आपके मैदे को ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी अगर आप गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप अपने जिस इस्तेमाल में मोबाइल ही क्यों नहीं लेते हैं, आप इसको अगर एहतियात से इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। मैंने अभी भी ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पुराने किस्म की चीज़ें यूज़ के अंदर हैं, जिनको बहुत से पुराने मॉडल्स हैं वो, लेकिन उन्होंने इतने केयरफुली अपने पास अपनी चीज़ों को इतने एहतियात से रखा हुआ है कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है। इस तरह हमारा जिस्म जो होता है इसकी जो है लाइफ इसी तरह बढ़ेगी जब हम इसके साथ अपने मैदे को हम मज़लूम नहीं होने देंगे। अगर हम गोश्त खा रहे हैं वो भी चबा के खाएं, सही तरह से पका के खाएं। मैं अक्सर माओ बहनों को बोलता हूं कि आप घर में सब्जियां गिला के करने की बजाय पका के खाएं। गिलाने और पकाने में फ़र्क है, गिलाने से मुराद आप उनका बर्तन निकाल देते हैं, आप उनके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, दम पे पकाएं स्टीम के अंदर ताकि उनकी अफादियत बरकरार रहे। आप मसाला जात, खुले मसाला जात का इस्तेमाल करें, केमिकल्स के मसाला जात से अपने घर को दूर रखें, ज्यादा तेज मर्च का इस्तेमाल नहीं करें, बवासीर होने का बायस है। बवासीर होने के साथ साथ जो है आपके मैदे को बहुत सी बीमारियों में मुबतला करता है। तेज नमक का मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है हमें अपने खाने में हर वो खजूर भी रखनी चाहिए,
अंडा भी रखना चाहिए, फाइबर यानी के जौ का दलिया हो, गंदम की रोटी साथ हो, इसके साथ आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नाश्ते के अंदर। बादशाहों से मुराद आपका दस्तरखान बहुत शानदार होना चाहिए जिसमें हर तरह की चीज़ें आपको मिले, क्योंकि हमने सारा दिन चलना होता है। बाद लोगों का ख्याल है रात का खाना बहुत अच्छे तरीके से खा लिया जाए तो उनके लिए बेहतर होगा, गलत बात है। रात का खाना तो आपने सो जाना है, इसकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अक्सर लोग जो पानी के मुतलक एक मिसाल देते हैं कि जी खाने से पहले पीना सोना है, दरमियान में चांदी है, बाद में जो है वो लोहा है। असल में ये मिसाल तो एक मिसाल अच्छी है लेकिन मिसाल का तरीका देने का गलत है, क्योंकि खाने के बाद पानी पीना बीमारियों का बायस है, ये बात मैं इस पर इत्तफाक करता हूँ। खाने के आधे घंटे बाद आप पानी पीना शुरू हो जाएँ जी, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, यार आपका इवनिंग में आप अपना जो है वो खाते हैं, तो इसके बाद आप आधे घंटे बाद पानी का आधा गिलास एक गिलास आधा गिलास एक गिलास हर घंटे में पिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर मैं दिन के अंदर पानी ज़्यादा पीने का बोल रहा हूँ कि आप एक घंटे के अंदर एक जग पानी का पिए, नहीं ये भी गलत है, इस पर आपका जिगर और किडनी दोनों जो है वो उस पे ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह जिस्म के लिए पानी की अहमियत है, बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर मैं बिल्कुल नाजरीन से एक बात करता चलूंगा। मैं अपने मौकफ की तरफ आता हूँ कि पानी पीना जिस्म के अंदर फासद निकालने के लिए बहुत जरूरी है। पानी पीना आपको अपनी किडनी की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पानी कितना पीना है आपने इसके ऊपर भी मैं आता हूँ आपको। इस अगर गर्मी है तो गर्मी के अंदर भी आपका कम से कम 12 से 14 गिलास, जो इस शिद्दत की अभी गर्मी चल रही है इसमें आपको 12 13 14 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। इसके अंदर लोग गुर्दों में के प्रॉब्लम में आते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपका किडनी जो है उसने आपके खून को साफ़ करना होता है, उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये आपका जिस्म से रिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि आपका जो किडनी होती है उसको खून को रिफ़ाइन करना होता है, आपके जिस्म से फाजिल मादों को निकाल के छोटे पेशाब के ज़रिए यूरिन के ज़रिए इसको बाहर निकालना होता है। तो इसलिए आप, मेरे कहने से ये मकसद नहीं है कि आप पानी पीना छोड़ दें। वो आपने सही कहा था कि मिसाल सही है लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि खाने से एक घंटा पहले अगर पानी पी लेंगे तो वो जाइए नहीं कि आपने एक गिलास यहाँ से पानी पिया और उधर से आपने रोटी खाना शुरू कर दी। आप कुछ ये कहने का कुछ जी कुछ पानी आप खाने के दरमियान में पी सकते हैं, जब आपको थोड़ा थोड़ा सा लुकमा अगर आपका फंस रहा है कोई इस तरह को, चंद घूंट आप खाने के बीच में इस्तेमाल करें, यानी कि अगर मैं इनको सादा अल्फाज में इस्तेमाल करूं, हलवा ना बनाएं इसको, हाँ हलवा बनाने की बजाय अगर मैं शॉर्टकट आपको बताऊं तो वो ये है कि खाने को लई की शक्ल इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अगर आपका खाना लई की शक्ल इख्तियार कर गया तो वो आपके मैदे को कमज़ोर कर देगा, आपकी आंतों को कमज़ोर कर देगा। यानी कि अगर रोटी बनाने के लिए भी आप आटे को पतला कर देते हैं रोटी नहीं बन पाती, सेम ऐसी स्टमक की मैं मिसाल देता हूं कि आपके स्टमक को लई की शक्ल इख्तियार नहीं करना चाहिए। हमारे मुआलजीन अच्छी तरह जानते हैं कि खाने को लई की शक्ल इख्तियार हो जाने से मैदे की कमजोरी हो जाती है। अच्छा, अक्सर जब लोग बीमार होते हैं दलिया इसलिए खाते हैं क्योंकि मैदा उसको कमजोर हो जाता है, फिर हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा पतला पतला खाया जाए, वो पतला होगा, लाइट गजा होगी। अच्छा, उसके अंदर जो के दलिये के अंदर सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं, हर चीज मौजूद होती है। अगर मैं ये कहूँ कि तलबीना का नाम अल्लाह के नबी पाक सल्लम ने जौ के दलियों को दिया, तलबीना तीन चीजों का मुरक्कब कोई भी आप बना लें, लेकिन होनी तीन चीजें चाहिए। अक्सर लोग इसमें बहुत सी चीजें डाल देते हैं और वो सुन्नत से भी हट जाते हैं और वो हिकमत से भी हट जाते हैं। जौ के दलिये में तलबीना एक अरबी का लफ्ज है, तीन चीजों के मुरक्कब के नाम को तलबीना बोलते हैं। तलबीना जौ का इसमें अहम रुकन है। इसके साथ आप कोई भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, पानी में बना के इसके साथ आप कोई सालन इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपको जौ का दलिया, अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि जौ का जो दलिया है ये, इसको तलबीना का नाम दिया गया, इससे जो है ना अगमों को उतार देता है, जिस्म के अंदर फासद मादों निकालने के लिए अहम किरदार अदा करता है, आपके पेट को साफ करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह आप दोपहर का खाना भी जो है वो वजीरों वाला खाएं, रात का खाना फकीरों वाला खाएं।
आप किसी भी बीमारी खाने के दौरान के अंदर फ्रूट का, मौसमी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाने को नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। पानी का भी नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, मौसम के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। फैटी लीवर गर्म सर्द होने से हो जाता है, लीवर जो है सही काम नहीं कर रहा होता। तो आखिरी पैगाम मैं अगर आपको बोलूँ, एक मिनट है मेरे पास, तो अल्लाह के फलो करम से हम मोटापे का इलाज करते हैं। ऐसी औरतें जिनको मोटापा हो चुका है और मोटापा कम नहीं हो रहा और वो सिर्फ डाइट से मोटापा कम करने जा रही हैं, तो वो गलत है। मोटापा कम करने से पहले आप अपने जिगर का इलाज करवाएं। मेरा जिगर का मौजू रखने का आज ये अहम ताल्लुक था कि आपके हारमोन ही जब डिस्टर्ब है, थायराइड है, हाइपोथायराइड है, आपका जिगर सही तरह से खाने को हज़म नहीं कर पा रहा, आपके जिस्म पर लगा नहीं पा रहा, तो आप जिगर का इलाज करवाएँ। मोटापा हम एक महीने के अंदर सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 5 किलो कम करते हैं और साथ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है आपने नेक्स्ट जो है ना स्पेशली जस्ट फॉर ओबेसिटी पे बात करी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे। जी साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, मेरा गला अपना भी खराब हो रहा है जी, मौसम है बारिश का जी। यहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपसे कल फिर मुलाकात करूंगी उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।